दुनिया में जब भी इंसानों द्वारा सबसे अजीब चीजों के खाने की बात आती है तो उसमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। जानकारों की माने तो यही वजह है कि चीन में तरह तरह की नई नई बीमारियां पनपती रहती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी अजीब फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि सिर्फ चीन में खाए जाते हैं। सांप। हम इस वीडियो की शुरुआत कुछ विचलित कर देने वाले दृश्यों के साथ करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कैसे चीन में स्टेप बाय स्टेप तरीके से सांप का सूप बनाया जाता है। यहाँ ये शख्स सर कटे सांप के शरीर को पहले तो सावधानी से गर्म पानी में धोता है, फिर उसे साफ करता है और इसके शरीर को बीच में से चीर कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट करता है। बता दें, पहले के दौर में सांप का सूप चीन में सिर्फ धनवान लोग ही अफोर्ड कर पाते थे और इसे एक लग्जरी डिश माना जाता था, लेकिन अब ये डिश काफी कॉमन हो गई है जिसको खाना ज्यादातर चाइनीज इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनके अनुसार सांप में कई औषधीय गुण होते हैं। उनका मानना है कि इसको खाकर आर्थराइटिस जैसी बीमारी ठीक हो जाती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। खैर, ये फायदे सचमुच है या नहीं इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन सांप के सूप का हाल फिलहाल में फैले खतरनाक वायरस में अहम रोल जरूर माना जा रहा है। भेड़ का सिर। सांपों को खाने वाले चाइनीज भला भेड़ को कैसे छोड़ सकते हैं? खैर, भेड़ तो चीन के अलावा भी कई अन्य देशों में खाई जाती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि चाइना में लोग सिर्फ भेड़ के सिर को खाना पसंद करते हैं। यहाँ वे भेड़ के सिर को काट कर उसको अच्छे से बॉयल करते हैं, फिर उसको खाने वाले के सामने पेश किया जाता है। चाइनीज लोगों के अनुसार भेड़ के सिर में सब कुछ खाने लायक होता है, जैसे कि उसकी आंखें, जीभ और उसका दिमाग। लेकिन याद रहे, उसकी हड्डियां नहीं खाई जा सकती, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी जबड़े इतने मजबूत नहीं है कि हड्डियां चबा सके, वरना यकीनन ये लोग उन्हें भी नहीं छोड़ते। ब्लोफिश। अगर आपको सी फूड्स के बारे में जरा सी भी जानकारी है तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि आखिर क्यों किसी भी इंसान को ब्लोफिश खाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और अगर आप नहीं जानते कि तो बता दें, ब्लोफिश जिसे पफर फिश भी कहा जाता है, ये समुद्र के कुछ सबसे जहरीले जीवों की लिस्ट में शुमार है। तकरीबन सभी ब्लोफिश के शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है। ये एक प्रकार का जहर है जो इतना पावरफुल होता है कि एक बार में 30 इंसानों की जान ले ले। साथ ही इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, यानी कि ये जहर शरीर के अंदर जाने के बाद ऊपर वाला ही आपका ख्याल रखेगा। फिर ऐसे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि फिर आखिर चाइनीज इस फिश को खा कैसे लेते हैं। दरअसल इस फिश को केवल वर्षों के अनुभवधारी शेफ ही काट कर पका सकते हैं, जिनको पता होता है कि इस मछली के शरीर में जहर कहां पर है और उसे काट कर अलग कैसे करना है। यानी कि ब्लो फिश खाने वाले शख्स को अपने शेफ पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि शेफ भाई साहब उन्हें प्लेट में जहर सजा कर नहीं देंगे। बिच्छू। जी हाँ, स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू भी चाइना में खाए जाते हैं। यहाँ बिच्छू फ्राई, रोस्टेड और ग्रिल करके परोसे जाते हैं। साथ ही कुछ डिश ऐसी भी है जिनमें बिच्छुओं को जिंदा ही सर्व किया जाता है। बता दें कि खाने से पहले इन बिच्छुओं के डंक तक नहीं काटे जाते, क्योंकि गर्म कढ़ाई में उबलने के दौरान इनका जहर निकल जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि स्वाद के दीवाने चीन के लोग बिच्छुओं को निगल रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिच्छू का स्वाद कीचड़ चबाने जैसा होता है। दरअसल यहाँ बिच्छुओं को कई तरह की शराब और दवाइयों के साथ परोसा जाता है, साथ ही इन्हें स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। यही वजह है कि चीन में आपको तकरीबन सभी होटल्स के मेन्यू में बिच्छू फ्राई दिख जाएंगे। भुना हुआ मगरमच्छ। मगरमच्छ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में छवि आएगी एक ऐसे जीव की जो आपको कच्चा चबा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी मगरमच्छ को चबा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप चाइना में हो तो ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि इसको अच्छी तरह से भुना गया हो, अन्यथा ये खाना कुछ ऐसा है जो आपको अपना निवाला बना सकता है। चाइनीज कहते हैं कि मगरमच्छ का मांस खाना बेहद लजीज होता है, साथ ही इसको खाने से अस्थमा और अन्य बीमारियों में राहत मिलती है। यहाँ आपको मगरमच्छ से बनी हुई कई प्रकार की डिशेस मिल जाएगी, जैसे कि क्रोकोडाइल सूप,
क्रोकोडाइल कढ़ी, क्रोकोडाइल टेल स्टैक्स। तो क्या आप भी क्रोकोडाइल खाना पसंद करेंगे? जाइंट रेनबो लॉबस्टर। जिस खूबसूरत जीव को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे जाइंट रेनबो लॉबस्टर कहते हैं, जो कि एक विशालकाय समुद्री झींगा है और इसके अनोखे इंद्रधनुष जैसे रंगों की वजह से इसे रेनबो लॉबस्टर नाम मिला। इसके चटक रंगों को देखकर कोई भी उस कलाकार का दीवाना हो जाएगा जिसने इस जीव को बनाया। खैर, जान लीजिए कि इस जीव को दुनिया के कुछ सबसे महंगे और स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक माना जाता है, जिसे जापान, थाईलैंड और बेशक चाइना के लोग शौक से खाते हैं। बता दें कि इस तरह का जाइंट रेनबो लॉबस्टर खाने के लिए आपको लगभग 600 अमेरिकन डॉलर्स यानी कि तकरीबन 44,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में बताइए ना। ऑक्टोपस। कुछ लोग हमेशा एक जैसा ही बोरिंग खाना खाकर बोर हो चुके होते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा खाना मिले जिसमें कुछ अलग ही किक हो। तो पेश है चीन की एक अलग डिश जिसका नाम है शनाची। इसमें आपको ऑक्टोपस खाने को मिलेगा और विश्वास कीजिए, इसे खाते वक्त ये ऑक्टोपस किक मारता है, वो भी आपके गले में। चीन के लोग शनाची नामक इस डिश को इतना ज्यादा फ्रेश परोसते हैं कि इस डिश की मुख्य सामग्री यानी कि ऑक्टोपस टेक्निकली जिंदा ही होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे ऑक्टोपस को लोग जिंदा ही चटनी लगाकर निगल जाते हैं और बड़े ऑक्टोपस को उबालकर काटा जाता है। लेकिन इसके बावजूद कटे हुए ऑक्टोपस के अंश भी निगलने के दौरान खाने वाले का गला अंदर से जकड़ सकते हैं, इसलिए इसे निगलने से पहले अच्छे से चबाने की सलाह दी जाती है।